हेलो स्टूडेंट्स, आई विल होप यू आर वेल। आई विल टीच क्लास फोर सब्जेक्ट फॉर मैथ, रिलीजन एंड रोमन न्यूमरल्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न द न्यूमरल्स अप टू 10,000 इन प्रीवियस क्लास। फॉर राइटिंग दीज न्यूमरल्स वी यूज सम सिंबल विच इज कॉल्ड न्यूमरल्स। दीज न्यूमरल्स आर 10 न्यूमरल्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These numerals were first used by Arabians, so these numerals are called Arabic numerals. Write the following number in words. Chapter 1 का first question, write the following numbers in words. Ones under 5 or tens under 6. तो so makes number write in words 65. Ones under 4, tens under 3, 100 under 2. The ones makes proper number write in words 234. 555, yani triple 5. Ones under 5, tens under 5, 100 under 5. So makes proper number 555. Ones under 3, tens under 0, 100 under 0, 1000 under 0, or 10,000 under 2. So, so makes proper number in words 20,003. Next, question number 2. Write the following numbers. 109. इसके लिए सबसे पहले हम ones को write करेंगे, tens को write करेंगे और 100 को write करेंगे. तो 100, 100 under 1, 9 ones under, tens आपका इसमें tens का कहीं जिक्र नहीं है, तो tens आपका blanks हो जाएगा. तो so representative number 109. Next 129. इसके लिए फिर उसी तरह write किया हमने ones, hundred, tens. अरे ones, tens, hundred. Hundred under one, tens under two और ones under nine. तो number क्या आपका हो गया 129. 3430. इसके लिए 1000 दिया हुआ है, तो हम वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड. तो 1000 अंडर 3000, 1000 अंडर क्या होगा 3, तो 3430. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. इसमें भी हमको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही वर्ड में राइट करना है. वंस अंडर 5, टेन्स अंडर 7, तो हो गया 75. नेक्स्ट 106, वन अंडर 6, टेन्स अंडर 0, 100 अंडर 1, तो राइट इन वर्ड्स 106. नेक्स्ट 254. नेक्स्ट 5746. मैंने उस अदर क्वेश्चन की तरह इस पे भी सॉल्व किया है वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड. नेक्स्ट चैप्टर 1.1 फिनिश. नाउ वी कैन टीच योर 1.2 रोमन न्यूमरल्स. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में रोमन न्यूमरल्स के बारे में टीच करेंगे. नीड टू लर्न ओनली रोमन न्यूमरल्स के लिए हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल और रोमन न्यूमरल्स दो नंबरों में अलग अलग डिफरेंस देखना है. हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 1 को 1 राइट करते हैं, रोमन न्यूमरल में 1 को राइट करते हैं आई. हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 5 को 5 राइट करते हैं, रोमन न्यूमरल में राइट करते हैं वी. हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 10 को 10 राइट करते हैं, रोमन न्यूमरल में उसको राइट करते हैं एक्स. हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 50 को 50 राइट करेंगे, रोमन न्यूमरल्स में एल. इसी तरह 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम. हमें रोमन न्यूमरल्स में आई वी एक्स एल सी डी एम इसी का वैल्यू लर्न करना है. सो हिंदी अरेबिक सिस्टम, द हिंदी अरेबिक सिस्टम हैज 10 सिंबल. हिंदी अरेबिक सिस्टम 10 सिंबल को प्रेजेंट करता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नेक्स्ट रोमन सिस्टम, द रोमन न्यूमरल सिस्टम हैज 7 सिंबल्स. जिस तरह हिंदी अरेबिक सिस्टम 10 सिंबल को रिप्रेजेंट करता था, उसी तरह रोमन न्यूमरल सिस्टम 7 सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, आई वी एक्स एल सी डी एम. लेट्स राइट द रोमन न्यूमरल सिस्टम 1 टू 10.
अब हम आपको 1 to 10 रोमन न्यूमरल सिस्टम राइट करके दिखाते हैं। 1 का I, 2 का II, 3 का III, 4 का IV, 5 होता है आपका V। अगर 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो हम 4 को राइट कर सकते हैं। जो अगर माइनस करके जो राइट करेंगे उसको पहले राइट करेंगे। 6 आपका आता है 5 + 1 यानी V + I। 7 आपका आता है 5 + 2 यानी V + II। 8 आपका आता है 5 + 3 यानी V III। 9 है आपका IX, 10 है X। तो क्वेश्चन नंबर 1.2, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन अरेबिक न्यूमरल्स। IX, मैंने आपको बताया था कि 1 to 10 में IX का मान क्या है, 9। अब देखिए XXB, मैंने 1 to 10 रोमन न्यूमरल्स में X को आपको बताया है 10, नेक्स्ट X हो गया आपका +10, अब V आपका हो गया 5, तो 10 + 10 + 5 = 25। नेक्स्ट XX7, तो 10 + 10 + 5 + 2 = 27। नेक्स्ट XXV, 10 + 10 + V = 25। नेक्स्ट हो गया XXXI, इस X का मान हो गया 10 + 10 + 10 + 1 = 31। नेक्स्ट XXXVI, 10 + 10 + 10 + 5 + 1, ये आपका हो जाएगा 10 × 20, 20 में 10 ऐड करें 30, 36। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन रोमन न्यूमरल्स, इसमें 8 को हमें रोमन न्यूमरल्स में राइट करना है, तो 8 आपका हो गया 5 + 3, 5 को रोमन न्यूमरल्स में राइट करते हैं V और 3 को III। नेक्स्ट है आपका 18, 18 को 10 + 8, तो 10 को रोमन न्यूमरल्स में राइट करते हैं X और 8 को राइट करेंगे V III। 21, 10 + 10 + I, XXI। क्वेश्चन नंबर 3, पुट लेस देन और ग्रेटर देन साइन इन द गिवन बॉक्सेस टू मेक इट करेक्ट। इस बॉक्स में हमको लेस देन और ग्रेटर देन नंबर, मतलब जो करेक्ट नंबर, उसको राइट करना है। ये आपका रोमन न्यूमरल्स में वैल्यू है आपका, इस वैल्यू को रोमन न्यूमरल्स में हम राइट करते हैं 9। ये आपका है 11, तो 9 < 11, 9 जो है 11 से हमारा क्या है, छोटा है, इसलिए ये इसमें ये सिंबल आपका लग गया लेस देन का। नेक्स्ट इसका वैल्यू हो गया आपका 12 और ये वैल्यू आपके हो गया 14, तो 12 < 40। तो नेक्स्ट ये आपका रोमन न्यूमरल्स में वैल्यू हो गया 19, 19 < 21, तो इसमें भी लेस देन का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट 24, ये आपका 10 + 10 + 4, 24 इज ग्रेटर देन 80, 24 जो है 80 से बड़ा है, तो इसमें ग्रेटर देन सिंबल आ गया। नेक्स्ट मेक टू रोमन न्यूमरल्स यूजिंग द फॉलोइंग न्यूमरल्स। इस न्यूमरल से हमको टू रोमन न्यूमरल बनाने हैं। पहला रोमन न्यूमरल हो गया आपका XVI, जिसका मान हो गया 10 और 4, तो क्या हो गया 14। नेक्स्ट रोमन न्यूमरल्स आपका हो गया, पहला हो गया 10VI, जिसका मान हो गया 10 + 6 = 16। नेक्स्ट आप हो गया 10 + 4 यानी 14। नेक्स्ट रोमन न्यूमरल्स आपका XXI, तो 10 + 10 + I, तो 10 × 10 = 20 और ये आपका ही हो गया 21। नेक्स्ट आप हो गया XIX, 10 + 9, जिसका मान हो गया आपका 19। इसी तरह मैंने इसी एक्सरसाइज पर रिलेटेड आपको होमवर्क दिया, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सॉल्व इन नोटबुक।